let it bang, bang. Assalamu alaikum, this is Amir Rafiq from 5G Properties, the platinum sales partner of Lahore Smart City and Capital Smart City. ये आपकी 180 feet की boulevard connecting executive block और ये आप overhead tank जो देख रहे हैं ये executive block B का है। ये आपकी right side के ऊपर एक छोटी सी झील जो central park है executive block का और ये जो site आप अपने सामने देख रहे हैं ये ओवरसीज सेंट्रल की लैंड है। ओवरसीज सेंट्रल का ये पार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस टाइम। जी हाँ, तकरीबन फिलिंग वाली ही ये सारी लैंड है और अप्रोक्सीमेटली 10 फीट की फिलिंग यहाँ पे मौजूद है इसके इनिशियल फर्स्ट हाफ पे। फिलिंग के प्रोसीजर में मसरूफ ये मशीनरी आपकी स्क्रीन पर। इस टाइम हम डॉक्टर्स इनक्लेव की तरफ जा रहे हैं और मशीनरी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं काफ़ी तेज़ डेवलपमेंट यहाँ पे चल रही है। ओवरसीज सेंट्रल की तकरीबन सारी लैंड ही फिलिंग वाली है, कहीं पर कम कहीं पे ज़्यादा। अप्रोक्सीमेटली जो मैंने दो वीडियोस अभी तक बनाई हैं साइट पे, तीन दफ़ा मैं जा चुका हूँ, तकरीबन भी आप एवरेज फिलिंग का अगर अंदाज़ा आपने लगाना है तो 10 फीट आप अपने जहन पे रखें। ये डॉक्टर्स इनक्लेव की लैंड है, मैं आपको मास्टर प्लान पे इसकी लोकेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डॉक्टर्स इनक्लेव की ये लैंड झील की राइट साइड पर, यहाँ पे तकरीबन ना होने के बराबर फिलिंग है, बहुत ही कम फिलिंग है यहाँ पे, जो कि एक नॉर्मल अगर आप मकान की जब बेस बनाते भी हैं तो एवरेज आपको 5 फीट की डिगिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा भी ज़्यादा फिलिंग हुई तो 5 फीट, नहीं तो इससे कम फिलिंग है। जबकि इसके अदर हाफ की तरफ जब आप ये वीडियो जाएगी आप देख पाएंगे कि वो एरिया इस हाफ के मुताबिक ज़्यादा हाइट पे है, इन शॉर्ट वहाँ पे ज़ीरो फीलिंग होगी। लास्ट वीडियो में अगर आप देखें तो यहाँ स्ट्रीट्स की कटिंग इस तरह नुमाया नहीं थी जितनी इस बार है। स्ट्रीट्स की कटिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और 5 से 6 माह पहले एक दफ़ा सोसाइटी ने ये बताया था कि ये यहाँ पे कनाल के प्लॉट्स होंगे, जबकि न्यू मास्टर प्लान के आने के बाद यहाँ पर 2 कलर के मार्किंग्स आपको शो हो रही हैं, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे 2 डिफरेंट साइजेस ऑफ प्लॉट्स आएंगे। ओवरसी सेंट्रल की ये लैंड 2 झीलें इसको टच कर रही हैं। खूबसूरती वाइज ओवरसी सेंट्रल पूरे में ये वाली साइड जो है सेंट्रल की ज़्यादा प्यारी है, एक्सेस वाइज भी और नेचुरल ब्यूटी के लिहाज से भी।
ट्रेन वाइज एक बहुत ही डिफरेंट और डिफ़िकल्ट ट्रेन है ओवरसीज सेंट्रल की, क्योंकि कटिंग एंड फिलिंग का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम होना है। ये स्क्रीन आप ऑलरेडी देख सकते हैं, कटिंग का काम ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे झील के लेफ्ट साइड के ऊपर। यहाँ पे कुछ नेचुरल पार्क भी होगा झील के करीब, और बाकी आगे रेजिडेंशियल प्लॉटिंग होगी। करंटली मशीनरी मिनी ओवरसीज सेंट्रल और डॉक्टर्स इनक्लेव पर काम कर रही है। डॉक्टर्स इनक्लेव से मशीनरी का रुख फिर रेस्ट ऑफ द ओवरसीज सेंट्रल शिफ्ट हो जाएगा। फिलिंग वाली लैंड होने की वजह से इस ब्लॉक की रीसेल में कोई कमी नहीं आएगी। आई रिपीट, कोई कमी नहीं आएगी। खैरी मोर ट्रेन होने की वजह से इस ब्लॉक में ऊंचाई भी है निचाई भी है, एक खूबसूरत ट्रेन इसको मिल रही है, एक इसकी खूबसूरती में एक अलग इजाफा हो रहा है। सेकंड चीज़, ओवरसीज सेंट्रल की लैंड पूरी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा प्राइम है। मेन कमर्शियल हब गेट प्रिसेंट के बिल्कुल साथ 400 फीट बुलेवार्ड पे तकरीबन 1 किलोमीटर का इस ब्लॉक का फ्रंट है, और पूरी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा किसी भी रेजिडेंशियल ब्लॉक का 400 फीट बुलेवार्ड पे जो फ्रंट आ रहा है वो ओवरसीज सेंट्रल का ही है। इसके अलावा मेन एक्सेस पॉइंट से भी सबसे ज़्यादा करीब 300 कनाल मस्जिद के बिल्कुल साथ, ओवरसीज प्राइम के करीब 2 एक्सेस रोड्स के बिल्कुल सेंटर में। इससे ज़्यादा प्राइम लोकेशन ना कभी किसी ब्लॉक को मिली है और ना ही आइंदा कभी मिलेगी। ओवरसीज सेंट्रल की निचली सतह पर एरिया कौन सा है और ऊंचाई पर एरिया कौन सा है, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स 0331 3444004।